नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, कई बार ऐसे पुलिसकर्मियों की ही पिटाई की खबरें सामने आती रही है। पिछले 5-6 महीने में देखे तो पुलिस टीम पर हुए हमले की घटना में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि यह दुर्भाग्य की बात है कि जो पुलिसकर्मी दिन हो या रात हमारी और आपकी सुरक्षा में खड़े होते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों को ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मामला चाहे कोई भी हो, पुलिस बल की पिटाई की खबर बिहार के कोने कोने से आती रही है। हालांकि अब जनता के रक्षकों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत अब सरकार ने पुलिसकर्मियों के साथ गलत बर्ताव करने वालों को सजा देने का प्रावधान पेश किया है, जिसके तहत DGP SK सिंघल ने पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी और गिरफ्तारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस बाबत उन्होंने सभी SP और SSP को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यानी कि अब एक बात तो साफ है कि पुलिस पर हमला करने वाले लोगों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस न केवल उनकी गिरफ्तारी करेगी, बल्कि सजा दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई करेगी। पुलिस पर होने वाले हमलों को पुलिस मुख्यालय ने भी गंभीरता से लिया है। हालांकि जितनी सख्ती पुलिस कर्मियों को लोगों के खिलाफ दिखाने को लेकर कही गई है, उससे ज्यादा पुलिस कर्मियों को छापेमारी समेत अन्य कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत सभी पुलिस कर्मियों से ये साफ कहा गया है कि किसी भी छापेमारी या किसी भी कार्रवाई से पहले अपनी तरफ से पूरी तैयारी और सतर्कता बरतें। पुलिसकर्मी इस बात का खास ध्यान रखे कि कहीं भी छापेमारी से पहले परिस्थिति का सही आकलन कर ले, जैसी परिस्थिति हो उसी अनुरूप पुलिस बल का इस्तेमाल करे, ताकि विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सके। इससे भी कोई बड़ी या महत्वपूर्ण कार्रवाई हो तो DSP या SDPO स्तर के अधिकारी उसका नेतृत्व करे। इसके साथ ही जो भी पुलिसकर्मी शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं या जो भी पुलिसकर्मी जमीन विवाद से जुड़े मामले में जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों को बड़ी कार्रवाई से पहले जरूरत के अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने को कहा गया है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई पुलिसकर्मी किसी भी ग्रामीण इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने जाते हैं या फिर शराब तस्करों का पता चलने पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने जाते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों पर स्थानीय ग्रामीण ही हमला कर देते हैं, जिसके कारण अपराधियों के कान तो खड़े हो ही जाते हैं, साथ ही हमारे हिफाजत में लगाए गए पुलिसकर्मियों को लोगों की मार का सामना करना पड़ता है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्थिति अनियंत्रित ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए पुलिसकर्मियों को वार्ड पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य आदि की मदद भी लेने की नसीहत दी गई है। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि पुलिसकर्मियों को और भी जानकारी मुहैया करवा सकते हैं, जिससे छापेमारी की कार्रवाई में मदद मिल सके। जिसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस की सुरक्षा को लेकर जारी की गई सख्ती के बाद अब देश के रक्षकों को लोगों के हाथ चढ़ने के मामले में कमी आए और पुलिस भी अपना काम बिना किसी संदेह के आराम से कर सकेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।